पत्रिका.com आपके लिए लेके आए, आपकी सेहत के लिए लेके आए एक बहुत सारी योग की सीरीज। कमर को हम हिप जॉइंट से आगे की तरफ बेंड करते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। बहुत ही धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है बिना किसी जर्क के। जितना हम इजीली झुक सकते हैं आगे बिना किसी झटके के उतना झुकेंगे और अपने हाथों से अपने पंजों को पकड़ लेंगे। और इस आसन की जो फाइनल पोजीशन है उसमें आपको अपने गर्दन को नीचे जमीन से अपने दोनों पाँव से टच करना है और आपकी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। नीचे से दोनों पाँव जो हैं आपके बिल्कुल सीधे रहने चाहिए और इस दौरान आपका सांस बिल्कुल चलता रहेगा। इसमें आपको सांस को रोकने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप इजीली रोक सकते हैं। इस आसन का मिनिमम टाइम है 15 से 30 सेकंड, इसे रोक सकते हैं आप। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको और भी कम रोकने की सलाह दी जाती है। तो इससे आपका जो बैली पार्ट है वो बिल्कुल दबेगा अंदर की तरफ, कमर वाला पार्ट बिल्कुल स्ट्रेच होगा। लेकिन ये सलाह दी जाती है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर हार्ट की कोई डिजीज़ है उनको ये आसन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रोकना है। इस आसन में अब ऊपर आने के लिए सबसे पहले गर्दन को ऊपर उठाएंगे हम सांस को अंदर भरते हुए और धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे सामने। कमर को जिस तरह से हम स्ट्रेच करते हुए नीचे गए थे उसी तरह से खींचते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। धीरे से सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की तरफ लाएंगे। सो ये था हमारा पश्चिमोत्तानासन जो कि वेट लॉस और बैली के रिडक्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। थैंक यू।